सर, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने वेबसाइट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं गूगल एडवर्ड में, क्योंकि हमारे जब भी नई की वेबसाइट होती है तो उसमें इतना ट्रैफिक नहीं आता और स्टार्टिंग में ट्रैफिक ना आना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हम ऐसे बैठ नहीं सकते, हमारे वेबसाइट को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, तभी लोग वहाँ पर सर्च करेंगे और देखेंगे हाँ ये वेबसाइट सही है या गलत, मतलब क्लिक तो करेंगे। पर लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास ऐसा इतना टाइम नहीं है कि हमारे वेबसाइट का लिंक हर बंदे को सेंड करें। तो एक तरीका है, वो है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड में आप इजीली अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत आपको पैसा देना पड़ता है और फ्री में तो कुछ काम होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत पैसे देने के बाद आपका वेबसाइट प्रमोट हो जाएगा और अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। बट सही तरीका आपको पता होना चाहिए, सही तरीका नहीं होगा तो फिर आपके पैसे वेस्ट जाएंगे और आपको ट्रैफिक भी इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना, इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे सही तरीका आपको यूज़ करके अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। आप YouTube का भी यूज़ कर सकते हो, YouTube चैनल को भी ऐसे प्रमोट कर सकते हो, बट आज की इस वीडियो में हम वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में, मतलब वेबसाइट को प्रमोट करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता रहा, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी कैटेगरी चैनल पर मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं अब मेन टॉपिक की ओर। सो यहाँ पे मैंने अपना जो गूगल एडवर्ड ओपन कर रखा है और आपको अपना गूगल एडवर्ड में अकाउंट बना लेना है। दोस्तों एक बात और बता दूँ, जब भी आप कोई एडसेंस अकाउंट, मतलब जिस मान के चलो आपने एडसेंस अकाउंट बना के रखा है और उसी से गूगल एडवर्ड बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे गूगल एडसेंस में क्या होता है, डॉलर में पैसे मिलते हैं और इस बीच में आप गूगल एडवर्ड उसी अकाउंट से बनाते हैं तो साइड में भी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि जिसको आप INR में, मतलब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सको, मतलब सेलेक्ट कर सको। तो दूसरा अकाउंट बना लीजिए, जब अकाउंट बनाते हैं उसी टाइम आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप INR में रखना चाहते हैं या डॉलर में, तो आप INR यानी कि इंडियन रुपी में रखना है। क्या प्रॉब्लम होती है आगे मैं बताता हूँ। अब मैं दूसरा अकाउंट यहाँ पे बना के रखा है, मतलब कि जिस एडसेंस अकाउंट पे मैंने नहीं बनाया, दूसरा अकाउंट मतलब दूसरी ईमेल पे बनाया है। तो अब यहाँ पे जो मेरा मेन ओवरव्यू, मैंने बहुत पहले वीडियो भी प्रमोट कर रखे हैं, यहाँ आप डिस्प्ले पे देख सकते हो इंप्रेशन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आज की इस वीडियो में तो हम वेबसाइट के बारे में बताने वाला है। तो वेबसाइट्स अपने प्रमोट करने के लिए यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है और जैसे न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, सेल करना है, लीड करना है, वेबसाइट ट्रैफिक यहाँ पे मिल जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ऐप प्रमोशन के बारे में बताया गया है, ब्रांड अवेयरनेस रीच, फिर लोकल स्टोर विजिट, विजिटर्स के लिए ये होता है, क्रिएटर कैंपेन विदाउट गोल गाइडियन गाइडेंस। बट हमें वेबसाइट ट्रैफिक करना है तो यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको चले जाना है और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब अकाउंट डिफॉल्ट वेबसाइट और वन इनएक्टिव कन्वर्जन एक्शन और वन इनएक्टिव कन्वर्जन एक्शन फ्रॉम वेबसाइट द सब्सक्राइब गोल, तो इसको छोड़ देना, कुछ भी नहीं, आपको कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सर्च से लाना चाहते हैं या फिर परफॉर्म मैक्स डिस्प्ले पर दिखाना चाहते हैं, शॉपिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो रखना चाहते हैं, डिस्कवरी में रखना चाहते हैं, तो एड्स अलग अलग होती है, लेकिन आपको सर्च में से लाना है तो सर्च पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे इसके बाद कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। ओके, यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम दे देना है, योर बिजनेस वेबसाइट, तो फटाफट यहाँ पे वेबसाइट हम जो हो हमारी वेबसाइट है उसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, आपका कस्टम डोमेन होगा वो यहाँ पे एंटर करना है, इवन आप ब्लॉगस्पॉट पे बना रहे हैं या फिर वर्डप्रेस पे बना रहे हैं तो वो यहाँ पे उसकी मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट की लिंक आपको पेस्ट करनी है। कैंपेन नेम क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा कैंपेन नेम रहेगा वेबसाइट ट्रैफिक बाय जीके विथ नीर, क्योंकि वेबसाइट ट्रैफिक लोग बहुत कैंपेन रखते हैं तो हम ये कर लेते हैं जीके विथ नीर और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद जो प्रोसेस है वो ध्यान अब रखना है, क्योंकि इसमें गलती करेंगे तो आपको कम प्राइस में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बीडिंग की बात करें, बीडिंग आपको कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक से लाना, ऑब्वियसली हम क्लिक करेंगे तभी उसको बीडिंग दे देंगे, मतलब पैसे देंगे, बाकी दिखाने के लिए तो हम पैसे देंगे नहीं। तो डिस्प्ले में हमें कुछ नहीं, हमें सीधा क्लिक कर देना है, क्योंकि क्लिक जब बंदा करेगा तभी उसको मतलब पैसे कट होने चाहिए, वरना उससे पहले तो नहीं, सिर्फ दिखाने के कोई मतलब ही नहीं है, हमें ट्राफिक चाहिए तो क्लिक तो होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना, हमारा मैक्सिमम कोस्ट पर लिंक बिट लिमिट इस पर हम क्लिक कर, इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन और जाते हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले हमें नहीं करना भैया, इसको अनचेक मार्क कर लीजिए, हमें सर्च ही रखना है, सर्च करेगा बंदा और वहीं पर देखने को मिलेगा। कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप इंडिया का है तो इंडिया कर लीजिए, अदरवाइज आप अदर कंट्री के तो अदर कंट्री में कर लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी हो।
तो कोई और आपको कंट्री टारगेट करनी है जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, आपकी हिंदी आर्टिकल पे डिपेंड करता है, आप इंग्लिश में तो कुछ और भी कंट्री कर सकते हैं, यूएस, इंग्लैंड, जो भी हो वो आप इंग्लिश इस कंट्री को कर सकते हो टारगेट, लेकिन आपका लैंग्वेज हिंदी है या फिर कोई और है तो उस हिसाब से कर लीजिए। तो मैं ऑब्वियसली इंडिया रहूँगा क्योंकि मेरा जो ये लैंग्वेज है गुजराती है, तो इंडिया तो गुजराती है तो इंडिया में ही चलता है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश भी रखूँगा, कुछ आर्टिकल मेरे इंग्लिश पे भी आने वाला है तो इंग्लिश तो रखूँगा, और फिर यहाँ पे गुजराती होगा तो गुजराती को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रमा गुजराती, और इसके बाद एक हिंदी भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ आर्टिकल मेरे हिंदी में भी है और टेक्नोलॉजी के जो आर्टिकल होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, और बाकी कुछ ऐसे आर्टिकल है जो एजुकेशन के बारे में वो गुजराती में आते हैं, तो मिक्स है मेरा मतलब आर्टिकल मतलब वेबसाइट। तो मैंने तीन यहाँ पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है यहाँ पे देख सकते हो। फिर ऑडियंस की बात करें तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं, और ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी कैसी ऑडियंस चाहिए, तो ऑब्वियसली हम ऑडियंस सेलेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को कर लेते हैं, फिर कंप्यूटर कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद नीचे चले आते हैं, एजुकेशन भी हमें करना है क्योंकि एजुकेशन की हमें चाहिए। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है एजुकेशन, तो यहाँ पे मेरा एजुकेशन वगैरह नहीं है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कोई टारगेट फिक्स नहीं रखना, छोड़ देते, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा डायनेमिक सर्च एड्स सेटिंग, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं, एंटर डोमेन, और इसके बाद ये उसको छोड़ देना है, ऐसे ही छोड़ देना है, यूज़ गूगल इंडेक्स फॉर माय वेबसाइट, ओके गूगल इंडेक्स ही हम रखना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना, इसमें नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक जैसे करेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो आ जाएगा वेबसाइट का डोमेन, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, नीचे स्लाइड करते हैं तो कीवर्ड आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, और कीवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी मेरे बाय डिफॉल्ट जो सेट है अपनी वेबसाइट में वही यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, और इसको मुझे कुछ चेंजिंग नहीं करने की ज़रूरत। बट इससे नीचे चले हम आते हैं तो कैसे क्या होता है, ऐड कैसी दिखेंगे वो आपको मैं दिखा रहा था, बट उससे मैं थोड़ा ऊपर देख लेते ऐड, तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत मुझे लगी नहीं यार, तो कोई बात नहीं, हमें चेंजिंग नहीं करना। अब इसके बाद नीचे हम जो बात आती है ऐड की, तो ऐड यहाँ पे इस तरह से दिखनी चाहिए, यहाँ पे इस तरह से दिखेगी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, और हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एरर वगैरह आ रहा है देख लेते हैं, दिस अनश्योर कस्टमर इनश्योर प्रोडक्ट यूज़ HTTP व्हेनेवर इफ पॉसिबल, ओके यहाँ पे हम HTTP को एंटर करने के लिए बोला जा रहा है तो कर लेते हैं HTTPS, और फिर यहाँ पे कॉलन आएगा मतलब डबल स्लेस आएगा फिर, और ये कर लेते हैं, और एरर हट चुकी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब मेन बात आती है डिस्प्ले पाथ, इसको छोड़ देना है अभी, इसको अभी साइड में करते हैं, नीचे चले आते हैं तो हेडिंग वगैरह आपको देना होता है, और कीवर्ड तो आपके यहीं रहेंगे क्योंकि हमने वेबसाइट में सेलेक्ट कर रखे थे, इस वजह से डायरेक्ट आ चुके हैं, कीवर्ड आपको एंटर करना तो कर सकते हो लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे डायरेक्ट आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग क्या देना, ज़्यादा नहीं देना हेडिंग, बड़ा हेडिंग नहीं देना, इस तरह से है मतलब यहाँ पे जो जैसे जैसे ऐड करेंगे तो ये जो एवरेज है स्ट्रेंथ एवरेज ये बढ़ता रहेगा। बाकी यहाँ पे देखिए इस तरह से हो चुका है। अब इसके नीचे चले जाते हैं, फिर यहाँ पे हेडलाइन में ज़्यादा कुछ आपको ऐड करना है नहीं करना, आप पे डिपेंड है। अब जो डिस्क्रिप्शन की बात आ रही है तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ये दोनों में हम लिख के आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरह से ऐड कर रखा है, जीके विथ नीरा जनरल नॉलेज, जनरल करना है हमें, और फिर यहाँ पे नॉलेज एंड तलाटी, यहाँ पे हमारे मिस्टेक है, वर्ड्स में मिस्टेक मत कीजिए, अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा, अगर आप वर्ड्स में मिस्टेक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, हमने चेंजिंग कर दिया है। और इस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, फिर उसके नीचे आपको कुछ ऐड यूआरएल करना है तो कर सकते हो, इसको छोड़ देते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे देखिए ऊपर वेबसाइट का नाम आ चुका है, फिर यहाँ पे कीवर्ड आ चुके हैं, और फिर नीचे चले आते हैं तो यहाँ पर देखिए एड स्ट्रेंथ इस यहाँ तक पहुँचा, अभी यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं पहुँचा, और यहाँ पर आइडियाज़ मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ आइडियाज़ यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं, और ऐड कैसे दिखे मैंने यहाँ पर चेंजिंग किया है तो कुछ तो तलाटी मटेरियल इन गुजराती, फिर पीडीएम गुजराती, गुजराती ग्रामर, इस तरह से ऐड देखने को मिलेगी ऊपर ही, और जैसे कि
यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया लास्ट में, पहले बताया लेकिन कुछ चेंज किया है क्योंकि मुझे कीवर्ड अच्छे खासे रखने हैं इसमें। तो ये इस तरह से मैंने चेंज किया है और डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। और एयर यूआरएल पे हम क्लिक करते हैं, ऑप्शनल है तो इसको आप रखना चाहते हो रख सकते हो, फाइनल सफिक्स इसको छोड़ देना, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। और फिर यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे डन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये होगा। अब यहाँ पर एक ये कुछ इस तरह से आप देख लीजिए एक बार फिर से। और यहाँ पर अब सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे साइट लिंक पे आपको एक्सटेंशन पे आपको यहाँ पे लिंक देना है। बट एक और चीज़ करना है यहाँ पे, देखिए साइट यूआरएल ये कर देना ऐसे और ये सर्च कर लेना आपको। और फर्स्ट जो वेबसाइट है कैंपियन यूआरएल बिल्डर जहाँ पे लिख के आ जाएगा, इस वेबसाइट पे जाना है और आपको एक यूआरएल बना लेना है। यहाँ पर मैं कोई भी एक पोस्ट को ओपन करता हूँ और उसकी लिंक को हम कॉपी कर लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे कैंपेन बिल्डर में जाएंगे, फिर वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी करेंगे, मतलब यहीं पे आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद कैंपेन आईडी को चेंज नहीं करना, आप कैंपेन सोर्स ऑब्वियसली गूगल रहेगा हमारा गूगल। और फिर यहाँ पर कैंपेन आईडी में क्या है, एड कैंपेन आईडी अभी इसको छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर मेगा मार्केटिंग मीडियम, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं करना आपको। और कैंपेन नेम यहाँ पे बताया गया है कि वेबसाइट ट्रैफिक यहाँ पे कर देना है। और फिर यहाँ पे इसके नीचे चले आते हैं और फिर इसको छोड़ देना, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कोड आएगा वो यहाँ पे आ चुका है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर चले आना है, मतलब वापस अपनी गूगल सर्च आइकन में आना, सर्च में आना है। और जैसे यहाँ पर आपको फाइनल यूआरएल बोल रहा है वहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे ये पेस्ट करेंगे तो ये काम हो चुका है यहाँ पे। और अब कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, ये जितना भी एक्स्ट्रा है इसको छोड़ देना है, आपको बार बार एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। बट इससे पहले एक बार चेक लीजिए कॉल एक्सटेंशन क्या है, ऐड मोर बिजनेस इन्फो योर ऐड फोन नंबर ऐड टू ऐड ओके नहीं करना, ऐड नंबर ऐड नहीं करना, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब बजट पर डे का आपका बजट कितना होना चाहिए, सेट योर एवरेज डेली बजट। यहाँ पर डेली की बात करिए तो डेली हम यहाँ पर रखेंगे 50 रुपीज़ कर लेते, क्या आता है 50 रुपये पर डे के हिसाब से ये देखिए। और एवरेज बताया गया एडवर्टाइज योर कंट्री इन कॉमर्शियली बजट लिस्ट 500 रुपये करने से इंक्रीज बजट इंप्रूव, मिनिमम 500 रुपया आप उसको लगा सकते हो, लेकिन हमें पर डे के हिसाब से देखिए तो क्या कितना मिलेगा वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे नो ट्रैफिक एक्सेप्ट गेट एस्टिमेट टू क्लिक डे एंड इफ़ यू एट 25 सजेस्टिंग कीवर्ड, मतलब कि कीवर्ड इतने अच्छे नहीं है हमारे ऐसे बताया गया है। और CPC कुछ कम मिलेगा वगैरह वगैरह यहाँ पे बताया गया। तो अगर मैं इसको 100 कर लेते हैं, मतलब 2000 कर लेते हैं, सॉरी 200 कर लेते हैं, तो क्या होता है। ओके यहाँ पे हमारा कीवर्ड अच्छे नहीं है, यहाँ पे ही बता दिया है। तो कीवर्ड हमें चेंजिंग करने पड़ेंगे, जो हमने आगे दिया वो कीवर्ड अच्छे हो गए तो उस हिसाब से हमें क्लिक्स भी अच्छे खासे मिलेगा। अब देखिए क्लिक्स भी इसमें नहीं मिल रहे ऐसा बताया गया। और ओके यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्लिक्स वगैरह वगैरह। और काफ़ी अच्छी बात है कि हमें कीवर्ड अच्छे नहीं डाले तो हमें पहले से पता चल चुका। तो एक काम करें यहाँ पे व्यू सजेशन पे क्लिक करते हैं, सजेशन करेगा देख लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे देखिए ऐड कीवर्ड पे हम क्लिक करना है और यही कीवर्ड हम ऐड कर लेते हैं, वहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना। यहाँ पे सिंपली ऐड कीवर्ड पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे कीवर्ड आ जाएगी ऑटोमेटिक, यहाँ पर देख सकते हो नीचे और सब कुछ आ जाएगा। तो ऐड हो चुके यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह जो अभी मैंने ऐड किए थे, फिर इसको नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एरर वगैरह कुछ आता है या नहीं, अच्छे कीवर्ड हो गए तब भी आपका काम चलेगा, तो ये ध्यान रखना है, बाकी नहीं काम चलेगा, मतलब कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम नीचे से क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट कर लेते हैं इसको भी। और फिर यहाँ पर अब देख लीजिए क्या आता है यहाँ पर, एरर वगैरह कुछ आता है या नहीं। फिर यहाँ पर लो ट्रैफिक एक्सेप्ट गेट चेक योर कैन ट्राई सेटिंग टू फिक्स दिस, यहाँ पे देखिए अभी भी बताया गया है कि अच्छे से तो फिक्स कीजिए और कीवर्ड डालिए लो ट्रैफिक एक्सेप्टेड, मतलब ट्रैफिक काफ़ी लो आएगा ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड चेंज की है लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है, वो एरर आ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये लो ट्रैफिक वाला ऑलरेडी एरर आ रहा है, लेकिन आपको कीवर्ड पे अच्छी तरह से काम करना होगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस वजह से अभी इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन कीवर्ड अच्छे खासे हाई ट्रैफिक वाले रखिए। और कीवर्ड प्लानर में जाइए, यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर बहुत सारे
कीवर्ड प्लानर के, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ हाई सीपीसी वाले कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं, बट कोई ब्रांड का आप यूज़ मत कीजिए जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च कर लेना है, आपको ध्यान रखना है कीवर्ड आपको मिल जाएगा। गेट वॉल्यूम्स फॉरकास्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल दीजिए, जैसे कि मैं फेसबुक के डाल देता हूँ फेसबुक, और गेट स्टार्टर पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें कितने अच्छे खासे कीवर्ड आते हैं या नहीं। तो फिलहाल यहाँ फेसबुक के बारे में एक ही कीवर्ड यहाँ पे अच्छा खासा बताया गया, एवरेज मंथ सर्चेस, तो इस फेसबुक को हम वहाँ पे लगा लेते हैं। ओके यहाँ पे कहाँ पे हम आ चुके यार, कीवर्ड सर्च में जाना है तो यहाँ पे इसको नीचे एंट्री कर लेते हैं फेसबुक, क्योंकि अच्छा खासा हाई वॉल्यूम सर्च देता है। कितना सर्च देता है? ओके यहाँ से 1 मिलियन तो 10 मिलियन एवरेज मंथ सर्चेस, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। और इस एरर को अब देखते हैं यहाँ पे एंटर करने के बाद कुछ चेंजिंग होता या नहीं। ओके यहाँ पे हो चुका, देखिए दोस्तों एरर भी हट चुकी है और क्लिक कितने एक ही बता रहा था, वो अब 755 पर डे क्लिक बता रहा है इस कीवर्ड पे। तो ये कीवर्ड पे आपको काम करना होगा, कीवर्ड पे अच्छा काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली ट्रैफिक वेबसाइट पर मिलेगा। बट बता दोस्तों कि आप अपने यहाँ पर कीवर्ड में डाल सकते हो ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं कि आपका अटेल कुछ और है या फिर आपने कीवर्ड कुछ और डाला, ऐसा नहीं। मेरा फेसबुक का कीवर्ड है, मतलब आर्टिकल है वेबसाइट पे, इस वजह से मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो आपको अपने हिसाब से डालना है, ध्यान रखना है, मतलब आपका आर्टिकल के हिसाब से ही डालना है, कुछ और आप मिसलीडिंग नहीं कर सकते। और दूसरा, टाइटल में आप फेसबुक को नहीं लगा सकते, टाइटल जो हमने आगे दिया था हेडिंग में, वहाँ पे आपको कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर कोई भी एडसेंस वगैरह जो भी अलग अलग ब्रांड होती है कंपनी होती है उसको प्रमोशन नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर कीवर्ड का काम खत्म हो चुका है, अब इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड एंटर कर दिया है तो क्लिक अच्छे खासे मिलेगा ये बता गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर भी हट चुकी है, एरर यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहता है, तो एक अच्छी बात है कि हमें एरर देखने को स्टार्टिंग में मिल जाती है, जिससे हमें पता चले कि हमारा कीवर्ड रैंक करेगा या नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे बीडिंग की बात करें तो पर डे हमारा 50 रुपये का बीडिंग होना चाहिए, और 50 रुपये में देखिए कितने पर डे 755 क्लिक मिलेंगे, तो हमारे पास बजट 50 रुपये रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और फिर डेली बजट की बात है, ये डेली बजट आ रहा है, कैंपियन ट्रैफिक, कैंपियन ने मैं वेबसाइट ट्रैफिक बाय जीके विद नीर, और फिक्सिट, और उसके बाद यहाँ पे फिक्सिट का क्या है कुछ एड के अंदर, इसको छोड़ देते, इसको कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद नीचे एक बार चेक कर लीजिए आपको कुछ चेंजिंग करना है नहीं करना, तो यहाँ पे मैं अब पब्लिश कैंपियन पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों बता दूँ, अगर आपके अकाउंट में बजट मतलब पैसे ऐड नहीं है तो फिर आपको पैसे ऐड करने का प्रोसेस आएगा, वो आपको कर लेना है। बट मेरा ऑलरेडी पहले से पैसे ऐड थे, मतलब 500 रुपये ऐड थे, तो मुझे कुछ भी पैसे ऐड करने के लिए प्रोसेस नहीं आया, डायरेक्ट मेरा 50 रुपये उसमें से लग गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब कि कैंपियन रन हो चुका है, तो अभी कैंपियन रन हो चुका हमारे इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम रिव्यू भी जाता है, कोई भी वेबसाइट हो या वीडियो जो भी हो, थोड़ा टाइम रिव्यू में तो ज़रूर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा अभी एड वन ग्रुप है जो एलिजिबल है, लेकिन अभी रिव्यू में जाएगा उसके बाद एक्टिव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और फिलहाल अभी कुछ भी यहाँ पे एड वगैरह मतलब नहीं आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेन यहाँ पे आ चुके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको आप इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो, यहाँ पे मतलब कि पोज रिमूव भी करना है तो कर सकते हो बाद में अगर आपको चेंजिंग करना है। तो ये इस तरह से आप अपने ऐड लगा सकते हो। खास बात आपको कीवर्ड पे ध्यान रखना है, कीवर्ड अच्छी तरह से डालेंगे तो ट्रैफिक अच्छा खासा मिलेगा, नहीं डालेंगे तो फिर आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी बताया कि कीवर्ड चेंज करके और पहले कैसे प्रॉब्लम आ रही थी और बाद में मैंने चेंज किया तो कैसे प्रॉब्लम आ रही है, आपको कीवर्ड प्लानर में जाके चेक कर लेना सब कुछ आपके आर्टिकल के हिसाब से, कुछ और भी ऐसे ही आपको मिसलीडिंग नहीं करना। तो ये था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।